वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आपकी पढ़ाई, आपके फेस्टिवल सीजन सब अच्छे चल रहे हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। मौसम अच्छा चल रहा है, अब धीरे धीरे सर्दी आने वाली हैं, आपको पढ़ाई अच्छे से और करनी है और घर में रह के पढ़ने का मज़ा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं छोटे से पार्ट को कवर करने के लिए बना रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डेली कमेंट लिखते हैं, जिनको कमेंट का आंसर मिल जाता है वेरी गुड, जिसको नहीं मिलता उसकी छोटी सी वीडियो है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट डेली कमेंट लिखते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, क्या आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रखा है? मैं बोलता हूँ हाँ। क्या आपने EVS पढ़ा रखा है? मैं बोलता हूँ हाँ। क्या आपने बिजनेस लॉ पढ़ा रखा है? हाँ। तो ऐसे बड़े सवाल डेली आ रहे हैं कि सर आपने ये किया हुआ है, आपने ये पढ़ाया हुआ है, आपने ये पढ़ाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग स्टेज में कई बार यूट्यूब वगैरह पर हम लोग जो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि पढ़ाई करनी कैसे है, ढूंढते कैसे हैं किसी चीज़ को। हालांकि इस पर मैंने वीडियो बहुत पहले बना रखी है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके संग फिर से कवर करता हूँ कि हमारी वीडियोस, हम लोग किसी भी स्टडीज़ के बारे में, अगर आपको मेरे चैनल पे मेरी कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो ढूँढनी है तो आप कैसे ढूँढ सकते हो। दूसरा, अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज चाहिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट से हो, आपको कॉमर्स करना है तो आप कैसे कर सकते हो, शुरुआत कैसे कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। दूसरा, एक ऐसा लिंक दूंगा आज आपको मैं, जो मैंने आप लोगों के लिए डेवलप कर लिया है, कि आप सिर्फ उसको क्लिक करो एंड यू विल रीच टू ऑल द वीडियोस वट एवर यू वॉन्ट। आज सब चीज़ों को आपको मैं छोटा सा डेमो देने वाला हूँ। ठीक है तो शुरू करें। तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ पहले अपने यूट्यूब चैनल के साथ, कि जहाँ पर आपको चीज़ें कैसे ढूंढनी है। आपको ढूंढना कैसे होता है? आप जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, आपका अपना यूट्यूब अकाउंट है, आप उसमें यूट्यूब पर जाते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कैसे सर्च करना है? आपने नाम लिखना है नितिन गोयल, आपने सिर्फ नितिन गोयल क्लिक करेंगे अगर तो आपको सबसे ऊपर मेरा चैनल दिख जाता है आज के डेट में। आप उसको क्लिक करेंगे, नितिन गोयल ये वाली वीडियो फोटो के साथ है, आप उस पर क्लिक कीजिए। अब मैं इसके अंदर ये वीडियो म्यूट कर दूँ वरना ये आवाज़ आएगी। अब आपने कहा कि सर हमें कन्फ्यूजन होती है, आपकी जो वीडियो आती हैं गूगल एल्गोरिथम से आती हैं या यूट्यूब एल्गोरिथम से आती हैं वो तो दिख जाती हैं, बाकी कैसे ढूंढें? फिर आप कमेंट में लिखते हो सर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाया है क्या, ये सब्जेक्ट पढ़ाया है। बजाय इसके कि मुझसे पूछो, आप सीधा मेरे चैनल पे जाके ना, जैसे अगर आपने कोई वीडियो भी ओपन कर रखी है तो वीडियो के नीचे भी ना नाम आता है। जैसे अगर आप कोई वीडियो ओपन करते हैं, सपोज एक वीडियो ओपन, आपने वीडियो पढ़ाई कर रहे हो इस वीडियो से, तो सपोज अभी तो मैं इसको म्यूट रखता हूँ। नीचे देखोगे, अगर इस वीडियो के नीचे भी देखोगे ना तो यहाँ पर नाम आता है नितिन गोयल। इसको अगर क्लिक करोगे तो आप सीधे चैनल पर पहुँच जाते हो। जब आप चैनल पे पहुंच जाते हो तो आप यहाँ पे देखोगे एक है होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो आपने जाना है प्लेलिस्ट पे, उस चैनल की प्लेलिस्ट पे। अब आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जब आ जाओगे तो जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे मोबाइल में, डेफिनेटली ये वर्टिकल जाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फैला हुआ है। अब आप देखो क्या क्या टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। मेरी लाइट वीडियो पर मत जाना है, वो तो मेरी लाइट वाली चीज़ें, वो छोड़ दो। इनकम टैक्स 2020-21 में कितनी वीडियो बन चुकी? 11। टोटल इनकम टैक्स की वीडियो आज तक कितनी बन चुकी? 61। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 61। स्टूडेंट की टिप्स के बारे में, एग्जाम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, शॉर्टकट्स के बारे में सब लिखा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कितनी वीडियो है? अकाउंटिंग फॉर CA 11, CPA, MBA। अगर आपने, अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, नॉन कॉमर्स, अगर आप सिर्फ इस प्ले लिस्ट को पूरा पढ़ लेते हैं ना लेसन वन से लेकर शुरू करके, आई प्रोमिस यू कि आपका अकाउंटिंग का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपने सिर्फ अकाउंटिंग फॉर CA 11, CA, CPA का बेस उठा लो, इसमें सारी वीडियोज़ हैं। आपने देखो व्यू प्लेलिस्ट में जाता हूँ मैं, तो इसमें आपको देखोगे ना लेसन वाइज अप डाउन है, क्योंकि वो वीडियो अब जैसे आप डाली गई प्ले लिस्ट में वैसे होती है। लेसन वन से शुरू करो बेसिक टर्म, फिर लेसन टू, फिर लेसन थ्री। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को उठा लो पूरे को और उसको आप कवर करते चले जाओ। आई प्रॉमिस यू, जैसी आपकी ये 52 वीडियोस, जिसमें से 50 हैं अकाउंटिंग की, अगर आप कर लेंगे ना तो आप जो मर्जी वीडियो उठा लो अकाउंटिंग की, यू विल बी एबल टू क्लियर इट। फिर 12th क्लास की अकाउंटिंग का सिलेबस काफ़ी हद तक कवर हो चुका है, एटलीस्ट पूरी बुक 1 कवर हो चुकी है, बुक 2 कवर हो चुकी है, कंपनी अकाउंट्स कर चुके हैं। क्लास 11th का अकाउंट्स की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर, अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके ब्रांच, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, हायर परचेज, देखो कौन कौन से टॉपिक कवर है, इसकी प्लेलिस्ट उठा के देख लो।
तो कंसाइनमेंट, हायर परचेज, जॉइंट वेंचर, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, हायर परचेज ब्रांच, इन्वेंट्री, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, पीरियोडिक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सब अब मैं कवर कर चुके हैं हम लोग। उसके अलावा कुछ आपके लिए मोटिवेशन टेक्निक, कोशिश करता हूँ आपको मोटिवेट करने की, उसके लिए 15 वीडियो बन चुकी हैं। स्टैटिस्टिक्स पूरा कवर हो चुका है, थ्योरी नहीं कराई गई है, प्रैक्टिकल सारा हो चुका है। उसके अलावा कुछ बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एमसीक्यू, उस पर वीडियो बनी हुई है। आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा कवर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है मैंने, और जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना हो वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में से कुछ टॉपिक कर सकता है। देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, और आपको मैं वादा कर रहा हूँ अगर आप ये करते हो तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसको कर लो और प्रैक्टिस कर लो, आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कोशिश पूरी उसी तरह पढ़ाने की है कि आपको ट्यूशन ना जाना पड़े, ठीक है। ईवीएस की कोशिश की थी मैंने, जितना हो सका मैंने पढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया, फिर बच्चों के रिस्पॉन्स आने बंद हो गए। ये एक वीडियो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व्यू फुल लिस्ट, ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें नॉलेज मिलती रहनी चाहिए साथ साथ। अगर यहाँ से पढ़ोगे तो आपको वो नॉलेज मिलती रहेगी। सेम इज़ एक कंसेप्ट है डेली टर्म्स, नीचे देखो डेली टर्म करके है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्टूडेंट टिप्स, ऑडिटिंग का पूरा सिलेबस कवर्ड है। ऑडिटिंग के 18 वीडियोस बना रखे हैं। कोई बिल्कुल नया है इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है एंड यू वांट टू एक्वायर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन स्मॉल टाइम 1.5 आवर्स, तो मैंने एक पूरी छोटी सी प्लेलिस्ट बना रखी है 5 वीडियोस की, 5 से 6 वीडियोस हैं। एनी बडी कैन लर्न अकाउंटिंग इन 1.5 आवर्स, तो 10 मिनट की, 7 मिनट की वीडियो करके एंड यू आर एबल टू एक्वायर दैट नॉलेज। बिजनेस लॉ पे 23 वीडियो मैंने बना रखी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की 6 बनाई थी, रिक्वायरमेंट नहीं आई तो मैं रोक दिया था बाद में, वाई टू अननेसेसरी वेस्ट द टाइम, बाद में करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंटिंग ये हॉबीज़ का है, इसका आपकी इच्छा हो देखना कोई दिक्कत नहीं, अपनी हॉबी है, गाना गाते हैं कभी अपने घर की वीडियो, कभी कुछ डालता रहता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से पढ़ना है तो, बेसिक कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग पढ़ना है तो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पे 16 वीडियोज़ बना रखी हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। सिर्फ रेशियो एनालिसिस पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लो, GST पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। मेरा गाना सुनने का मन करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बना हुआ है, स्माइल विद मी, अगर हंसने का मन करे तो यहाँ पे, और ये सब टाइम पास, ठीक है। और हमारे घर में हम लोग कुछ कविता वगैरह लिखते हैं, हम कुछ लिखते हैं, माई वाइफ इज़ अ वेरी गुड पोएट, तो शी इज़ राइटिंग सम वेरी गुड पोएम्स, और यहाँ पे वो आपको यहाँ से मिलेगी, कवर सॉन्ग्स एंड पोएम्स बाय दीपा, व्यू फुल लिस्ट, तो यू कैन एक्चुअली डेडिकेट सम पोएम्स टू योर मदर, टू अदर पीपल। दीपा गोयल पोएम की प्ले लिस्ट यहाँ पे है, देखो यहाँ पे 5 पोएम हमने डाली हुई है, चाइल्डहुड के बारे में, मदर्स डे के बारे में, टीचर्स के बारे में, एंड यू कैन जस्ट, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हो किसी को भी आप चाहो तो। तो ये एक तरीका हो गया कि आप मेरे चैनल पे से आप कैसे वीडियो को ढूंढ सकते हो, कैसे एक सब्जेक्ट की वीडियो आप ढूंढ सकते हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो देखो ऊपर लिखो, इसके ऊपर अपने सर्च इंजन में डालो कॉस्ट अकाउंटिंग नितिन गोयल, तो आपको कहीं ना कहीं पूरी प्लेलिस्ट दिखा देगा वो नितिन गोयल की। अगर आप जिसका भी नाम लिखते हो ना उसके नाम से सब्जेक्ट लिखते हो तो पूरा आता है। अब देखो मैं इसी को लिखता हूँ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग बाय नितिन गोयल, तो ये ऑडिटिंग की पूरी प्लेलिस्ट दिखा देगा। आपने कहा नहीं सर मेरे को तो वो इनकम टैक्स चाहिए, इनकम टैक्स, सॉरी नितिन गोयल, तो ये इनकम टैक्स की पूरी वीडियो दिखा देगा। देखो 61 वीडियोज यहाँ पे, 11 वीडियोज यहाँ पे, बट देयर इज अ वे टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू नो, ठीक है। तो ये टेक्निक क्या हो गई, ये हो गई कि अब आप यूट्यूब पे चाहते हो, चैनल के ऊपर सर्च करते हो तो हाउ यू कैन फाइंड माय वीडियोस। अगर आपको वीडियो ढूंढनी थी यहाँ पे वीडियो ऐसे ढूंढ लो, आप सिर्फ या तो नाम ढूंढ लो या आपने कहने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, हमने कहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नितिन गोयल, ये देखो क्लिक करो और आपके पास पूरा का पूरा 16 वीडियोस का पिटारा आपके सामने आ जाएगा खुलने के लिए, और उससे रिलेटेड सारी वीडियो आ जाएंगी। आपको सिर्फ चेक करना है, उसको ओपन करके पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई करने की जिम्मेदारी आपकी, पढ़ाने का काम मेरा, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी रहेगी। अब आता हूँ दूसरे पार्ट पे, जो कि बहुत मज़ेदार कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। अब उस मज़ेदार कॉन्सेप्ट को करने के लिए आपका साथ चाहिए होगा। जितने बच्चे इस वीडियो के थ्रू उस जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म लिखा हुआ है नीचे, उस फॉर्म पे प्लीज़ डिटेल भर के लिख देना थैंक यू, या फिर जो भी आपका कमेंट है कि आपको सब्जेक्ट मिल गया, अब आपकी टेंशन मैंने कर दी ख़त्म,
अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जाना है अपने ब्राउजर के ऊपर जहाँ पे आप लिखते हो अपना यूआरएल किसी भी चीज़ का। अब आपने यहाँ पे लिखना है एक नया यूआरएल, उस यूआरएल का नाम है www.nitingoyalclasses.com। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया आपके लिए बिल्कुल सुख सुविधा का काम। ये आपको वहाँ पे जाने की जरूरत ही ना पड़े या ढूंढना पड़े, सब कुछ आपके बटन्स के ऊपर। आपने क्या लिखना है, nitingoyalclasses.com। कुछ भी पेड नहीं है यहाँ पे, सब कुछ फ्री है, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी सहूलियत है यहाँ पे। nitingoyalclasses.com पे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए खुलेगा आपका अपना वेब पेज। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, शायद नेटवर्क इशू है। ओके, नाउ इट विल कम लाइक यू फॉर योर कन्वीनियंस। अब इस वेबसाइट को जब मोबाइल पे देखोगे तो ऊपर मेन्यू लिखा होगा, तो मेन्यू क्लिक कर लेना, लेकिन मोबाइल पे नहीं है, मैं लैपटॉप पे समझा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ देखो होम पेज जिस पे आप हैं, इस पे अगर आप नीचे भी जाएंगे तो कुछ टॉप वीडियो मिलेंगे आपको। यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए सब्जेक्ट के नाम है, आपको जो सा चाहिए उस पर क्लिक कर देना। फिलहाल अकाउंटिंग के ऊपर जो है हम खोलते हैं तो 11th क्लास आ रहा है, क्योंकि वो मिक्स नहीं हुआ है अभी सारा का सारा। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, जब ऊपर आप सब्जेक्ट्स पे क्लिक करोगे अकाउंटिंग पे, तो अकाउंटिंग के सारे कवर्ड हैं, 11th 12th, अकाउंटिंग, कैश फ्लो, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, हायर परचेज, पार्टनरशिप, ब्रांच, इन्वेंट्री, फंड फ्लो, रेशो। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स और कवर्ड है जो कि नीचे दिखेंगे बाद में। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स पूरा कवर्ड है, आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है। सपोज आप 12th के अंदर है तो 12th पे क्लिक करो, आपको 12th के सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो आपको मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखे हैं। तो नाउ लाइफ विल बिकम ईजी, ईजी रादर मोर ईजी। देखो आपको सारे टॉपिक एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए मैंने आपके लिए। ठीक है, आपने कहने से मुझे स्टैट्स पढ़ना है तो स्टैट्स पे क्लिक कर दो। अकाउंटिंग पे जिसका भी आपको पढ़ना है, कैश फ्लो पढ़ना है, कंसाइनमेंट पढ़ना है, ज्वाइंट वेंचर पढ़ना है, हायर परचेज पढ़ना है, आप सिर्फ उस पर क्लिक करो और आपको यूट्यूब की सारी वीडियो यहाँ मिल जाएगी। देखो क्योंकि मेरा पर्पज़ आपको बता रखा है कि मुझे जितना आता है मैं कोशिश करूँगा ईजी वे में आप तक पहुँच जाए। तो देखो सब कुछ आपके पास है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेक करना है और अपने हिसाब से जो टॉपिक पढ़ना है पढ़ लो। आपने कहा स्टैट्स पढ़ना है सर, स्टैट्स चल लो, स्टैट्स खोल दिया। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी ऐड होता जाएगा इसमें वीडियो ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, देखो आपकी सारी वीडियो आपके सामने आ गई। आपने सर इनकम टैक्स पढ़ना है, अब इनकम टैक्स में कन्फ्यूजन होती है सर कौन सा पढ़े, ये देखो। अब मैं उन बच्चों के लिए जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं उसके लिए तो बड़ा आसान काम कर दिया, सबसे पहले तो पूरी प्लेलिस्ट लगा दी यहाँ पे लेफ्ट साइड में। देखो ये नहीं है तो नीचे टॉपिक ढूंढ लो अपना। देखो बेसिक हेड, डिफरेंट हेड ऑफ सैलरी, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस में तीन वीडियो मिलेंगे आपको, एक जिस जिसकी तीन वीडियो बना रखे तीनों आएंगी, सैलरी पे चार वीडियो बना रखे चारों आएंगी। आपको इस तरह से कर दिया कि आपका सिंक्रोनाइजेशन सही हो गया। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस पे एक दो तीन, तीन वीडियो बनाएंगे आज तक सब आगे, चार वीडियो देखो और ये चार। आपने कहा इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे भी एक वीडियो, ये रही। आपने कहा हाउस प्रॉपर्टी पे कितनी बना रखी है, हाउस प्रॉपर्टी पे एक बोर्ड पे है, बाकी वैसे पढ़ा रखे हैं। देखो दो पार्ट तीन पार्ट दे, 14 15 16 आपके लिए इनकम हाउस प्रॉपर्टी। तो इट विल बिकम वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। कैपिटल गेन पे दो वीडियो बना रखी है, क्लबिंग ऑफ इनकम पे एक बना रखी है, सेट ऑफ पे एक बना रखी है, सैलरी पे देखो सैलरी पे एक दो तीन जो बोल रहे हो, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, फिर डे 7 सैलरी, 8 सैलरी, 9 सैलरी, 10 सैलरी, 11 12 13 सैलरी। वो कह रहा है इट इज़ बिकमिंग ईजियर फॉर यू ऑल, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। उसके अलावा जो वीडियो डालेंगी वो भी इसमें ऐड होती चली जाएंगी धीरे धीरे, नॉट इमीजिएटली, धीरे धीरे ऐड होती चली जाएंगी। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे कोई सब्जेक्ट चाहिए, बताओ आप बताओ हेल्प करो हमारी, तो आप नीचे इसके फॉर्म लिखा हुआ है, आपने कुछ नहीं करना, अपने नाम लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है। अगर आप होम पेज से भरोगे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी। अगर होम पेज पे जाएंगे आप सबसे नीचे देखो फॉर्म आएगा, अभी मेरी डिटेलिंग आ गई, बुक के बारे में मेरी कौन सी बुक है। अगर आप मेरी बुक पसंद करते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, एक किंडल कॉपी या फिर जैसे आपको करनी है वैसे आप परचेज कर सकते हो। तो आपने करना है नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट या कोर्स आप क्या ढूंढ रहे हो, एंड सेंड मैसेज। आप चाहो तो अपने कुछ अच्छे फीडबैक भी लिख सकते हो, अच्छे फीडबैक होंगे तो मैं बाद में वेबसाइट पर डलवा दूंगा उनको। तो सब्जेक्ट देखो सारे सब्जेक्ट, GST, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो, EVS, डेली टर्म्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब इसमें आ गए। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग पे दो वीडियो डाली हुई हैं,
और मैं डालूंगा म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट सब डालूंगा इसके अंदर, लेकिन धीरे धीरे। बुक जो मेरी बुक है, ब्लॉग मैं लिखूंगा सब्जेक्ट वाइज बाद में, अभी नहीं। आपको अगर मुझसे कोई डायरेक्टली कुछ ईमेल लिखनी है तो ईमेल एड्रेस के लिए सिंपल हो गया, मैंने और आसान कर दिया। अब आपको इस पे ईमेल एड्रेस आपके पास लिखा हुआ है, ये रहा nitingoyalclasses@gmail.com। आप इस पे अपनी क्वेरी, अपने फीडबैक भेजोगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्म है कॉन्टैक्ट के अंदर, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सिटी और आपका मैसेज, जो आप लिखना चाहो, अच्छा बुरा फीडबैक या कोई रिक्वायरमेंट है आप मुझे लिख दो। नो नीड टू वरी, ये सारी डाटा कॉन्फिडेंशियल है। इसमें साफ लिखा हुआ है, द इंफॉर्मेशन शेयर बाई यू विल बी कैप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड विल बी यूज ओनली फॉर शेयरिंग नोट्स और ब्लॉग पर्पज ओनली बाय नितिन गोयल क्लासेस इन फ्यूचर। किसी और को ये डाटा लीक नहीं किया जाएगा, नेवर टू फील दैट वे, ठीक है? क्योंकि हम टीचर्स के पास कोई सेल करने का सामान तो है ही नहीं, हम तो पढ़ा सकते हैं, ठीक? तो आपके पास दो जरिए हो गए, या तो आप यूट्यूब पे जाके ढूंढो, मगजमारी करो, प्लेलिस्ट ढूंढो, या सिंपल है यार, एक वेबसाइट आपके लिए बना दी है, सिर्फ आपने लिखना है नितिन गोयल क्लासेस classes.com, एंटर मारो, आपकी साइट खुल गई। सब्जेक्ट्स पे जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। आपको टिप्स चाहिए, अबाउट्स में चले जाओ, स्टूडेंट टिप्स ले लो जो आपने बना रखे वीडियो मैंने, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ टू बी पॉजिटिव, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, कितने बजे पढ़ें, सर नेक में दर्द हो गया, मैंने तो इस पर भी बना दी वीडियो आपके लिए, आंखों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए बना दी, एग्जाम में क्या मिस्टेक नहीं करते उसके लिए भी बना दी वीडियो। फिर आपने कहा नहीं सर मेरे को स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन दो, हम बड़े लथर पथर हो गए हैं, कोई बात नहीं, ये लो मोटिवेशन भी ले लो, ठीक है? तो आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, ये नितिन गोयल क्लासेस पे चले जाओ .com पे, या फिर यूट्यूब से सर्च कर लो, आप पहुंचोगे उन्हीं वीडियो पे जो मैंने आपके लिए बना रखी है। फिलहाल के लिए सिर्फ ये अकाउंटिंग के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो 11th खुल रहा है, वो चेंज हो जाएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो ऊपर सब्जेक्ट लिस्ट में लिखे हैं अकाउंटिंग में, जितने भी है ना ये सारे आएंगे उसमें, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत हो, कहते ना कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, लगे तुम्हें कुछ ठीक नहीं हालात, मैं हूं ना, है ना, तो आपके लिए मैं हूँ, जितनी कोशिश है आपके साथ हूँ, बस आप मेरा साथ देना मत छोड़ना। आपको मैं खुशी से बता रहा हूँ, आज की डेट में अगर आज की डेट में आप नितिन गोयल डालते हैं तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ है ये, कि हम लोगों का परिवार 1,96,96,000 स्टूडेंट्स का बन चुका है, तो 1,96,000 स्टूडेंट्स हो गए हैं 2 साल में, जर्नी शुरू हुई है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं पढ़ाता रहूँगा, आप बढ़ाते चले जाओ, बस। मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ यूट्यूब के थ्रू जितने बच्चे पढ़ते हैं वही आगे आप आगे शेयर करते रहते हो। आई डोंट प्रमोट इट ऑन एनी सोशल मीडिया, या मैं कहीं पे भी इसको प्रमोट नहीं करता हूँ, सिर्फ आप लोगों का प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है कि मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। ऑल राइट, तो आज की क्लास में सिर्फ क्लास का डिस्कशन में बताना था कि आप मेरे लेक्चर कैसे ढूंढ सकते हो, एंड द बेस्ट टेक्निक इज माई वेबसाइट। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड, दोस्तों को शेयर करते चले जाओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी वीडियो आएगी आपको मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।